खबर जनपद उत्तरकाशी से है, जहां गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ जनपद मुख्यालय के निकटवर्ती डूंडा प्रखंड के बरसाली पट्टी के बौन पंजियाला समेत अन्य स्थानों का भ्रमण कर अतिवृष्टि के कारण हुए नुकसान का जायजा लिया और प्रभावित को अनुमेय सहायता राशि के चेक वितरित किए। बता दें कि अतिवृष्टि के कारण मलबा आने और भूस्खलन होने के कारण निजी संपत्तियों, पुलिया, खेती को भारी नुकसान पहुंचा था, जिसका निरीक्षण करते हुए विधायक चौहान ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि सड़कों और पैदल रास्तों की अविलंब मरम्मत की जाए। उत्तरकाशी से विनीत कंसवाल की रिपोर्ट। और नागपुरी और इसके बाद जो है सीकोट, जगह जगह जहां पर आपदा आई है, लोगों की तमाम खेती नुकसान हो गई है। खेती में सुरक्षा दीवार लगनी बहुत जरूरी है, जो वाजपेयी कृषि विभाग से लगाई जाती है। तमाम नहरें बह रही हैं, लघु सिंचाई सिंचाई विभाग की नहरें हैं, और जैसे पंजाला में गया तो दो तीन पुल वहाँ पे बह गए, तीन चार पुल, स्कूल का रास्ता नहीं है, बॉन इंटर कॉलेज का जो है बच्चों के लिए रास्ता नहीं, बहुत डिस्कवर से। तो टेम्पोरी व्यवस्था के लिए आज हमारे साथ सभी विभागीय अधिकारी, हमारे SDM, हमारे तहसीलदार और जितने भी संबंधित विभाग अधिकारी हैं, सिंचाई, लघु सिंचाई, PWD सभी अधिकारी आ रखे हैं। जगह जगह सड़कें बंद हैं, पूरा आपदा ने क्षतिग्रस्त कर रखा है लोगों की, जो है कई सैकड़ों नालियां जो है बादल फटने से जगह जगह जो है तबाह हो गई है, और जो तमाम तत्काल के लिए फौरी तौर पर जो व्यवस्था की जा रही है, प्रशासन लगातार लगा हुआ है उसके लिए, आर्थिक सहायता की जो चेक है वो लोगों में बांट दिए गए हैं, और लगातार पूरी हमारी चाहे राजस्व की टीम है वो लगातार हर गांव में पूरी मॉनिटरिंग कर रही है और लगातार हमारी पूरी आपदा पे नज़र है।